राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपके अपने चैनल रेखा की दुनिया में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चना मसाला बनाने की रेसिपी। चना वैसे तो बहुत ही फायदेमंद होता है, ये सभी को पता है। आज मैं इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, लेकिन खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो देर किस बात की, चलिए मेरे साथ इस मजेदार से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो चना मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें काले चने को भिगो लेना है। अगर आपको रात में बनाना है तो सुबह में काले चने को पानी में डाल दीजिए, शाम होते होते अच्छे से फूल जाएगा। अगर सुबह में बनाना है तो आप रात में चने को पानी में डाल दीजिए, सुबह होते होते वो अच्छे से फूल जाएगा। तो आप देख सकते हैं चना यहाँ पे अच्छे से फूल गया है। अभी इसे 2 से 3 बार अच्छे से धोकर छान कर रख लीजिए। 3 मैंने यहाँ पे मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसे लंबे स्लाइस में कट कर लिया। 2 हरी मिर्च को कट करके रख लिया है। साथ में मैंने यहाँ पर लिया 1 मीडियम साइज का टमाटर, 5 कली लहसुन का और थोड़े से अदरक को। इन सभी चीज को अभी यहाँ पे बारीक पीस लेना है, बिल्कुल इसी तरह से। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अभी गैस के पास। तो सबसे पहले गैस को ऑन कर लीजिए और एक कुकर गर्म होने के लिए रख दीजिए। जब कुकर गर्म हो जाए तब हमें इसमें डाल देना है तेल। तेल आप जो भी खाना पसंद करते हैं यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सरसों का तेल का यूज किया है। तेल को यहाँ पे अच्छे से एकदम से गर्म होने दीजिए। जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम यहाँ पे लो कर दीजिए। तो अभी इसमें डाल देना है 1 छोटा चम्मच जीरा, 8 से 10 दाने काली मिर्च की और 1 से 1.5 इंच यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा। साथ में डाल दीजिए यहाँ पे 1 तेज पत्ता। अभी जीरा को यहाँ पे चटक जाने दीजिए। अभी इसमें डाल देना है कटे हुए प्याज और साथ में हरी मिर्च को। अभी गैस का फ्लेम आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए और बीच बीच में चलाते हुए प्याज को यहाँ पे गोल्डन कलर आने तक भून लेना है। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर यहाँ पे गोल्डन कलर का हो गया है। अभी इसमें डाल देना है कुछ सूखे मसाले। तो मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर या फिर जरूरत के हिसाब से। 1 छोटा चम्मच यहाँ पे डाल दीजिए धनिया का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच घर का तीखा लाल मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। और 1 छोटा चम्मच यहाँ पे डाल दीजिए चाट मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर और साथ में पिसा हुआ मसाला भी डाल दीजिए। अभी उसी कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी साथ में डाल दीजिए। अभी सभी चीजों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो आप देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसमें डाल देना है 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, इससे चना मसाला में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अभी सभी चीजों को यहाँ पे फिर से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अभी मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक मसाले से तेल छोड़ ना दे। तो आप देख सकते हैं मसाला यहाँ पे अच्छे से भून गया है और तेल भी सेपरेट हो गया है। तो बस इस स्टेज पे हमें इसमें डाल देना है सोक किया हुआ काला चना। तो ये गया काला चना और साथ में 1 से 2 कप पानी भी गर्म होने के लिए रख दीजिए। अभी चने को मसाले के साथ हमें 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे अच्छे से भून लेना है। तो अभी चना को भूनते हुए मुझे यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गया है और मसाले के साथ चना अच्छे से भून भी गया है। अभी इसमें डाल दीजिए गरम किया हुआ पानी। जब कभी भी आप सब्जी वगैरह में पानी डालते हैं तो गरम करके ही डालिए। अभी पानी आप अपने हिसाब से यहाँ पर ज्यादा या कम कर सकते हैं। जितना भी आपको ग्रेवी रखना है उसके हिसाब से यहाँ पे आप पानी डाल दीजिए। सारी चीजों को अच्छे से फिर से मिक्स कर दीजिए। अभी इसमें डाल देना है 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और साथ में डाल दीजिए यहाँ पे नमक स्वाद के अनुसार। अभी सभी चीजों को फिर से यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो अभी सभी चीजें यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है। तो बस अभी यहाँ पे कुकर का ढक्कन कर देना है बंद। अभी हाई फ्लेम पे 1 सीटी लगने दीजिए। जब हाई फ्लेम पे 1 सीटी लग जाए तो गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम कर देना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें 5 से 6 सीटी लगने देना है। जब 5 से 6 सीटी लग जाए तो गैस को कर दीजिए बंद और कुकर को आराम से होने दीजिएगा ठंडा। जब कुकर ठंडा हो जाए तो ढक्कन को बस इस तरह से खोल देना है। तो चलिए अभी फिर से सभी चीजों को यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि चना यहाँ पे पका है कि नहीं। अगर चना कच्चा हो तो फिर से ढक्कन बंद करके 1 से 2 सीटी आप लगा सकते हैं। तो चना यहाँ पे अच्छे से पक गया है। अभी तेज पत्ता को यहाँ पे बाहर निकाल लीजिए और चना को हल्का सा इस तरह से 1 से 2 बार दबाते हुए इसे मैश कर लेना है। तो चना का सब्जी यहाँ पे बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। दालचीनी जो डाला था उसे भी निकाल दीजिए। तो चने की सब्जी आप देख सकते हैं बनकर बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो गया है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ऊपर से डाल दीजिए। धनिया को सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए।
तो एलो जी, हमारा यहाँ पे काले चने की टेस्टी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। यकीन मानिए, ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। आप इसे अपने मनपसंद डिश के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी जरूर जरूर ट्राई करिए और कैसा बना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आज की मेरी रेसिपी आपको जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।